एवरीवन, मैं सुहानी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं आज एक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और ऐसा कहें कि एक कॉमन टॉपिक लेके आई हूँ और बहुत कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये वीडियो वुमेंस प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है, लेडीज़ प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। सो आज मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। अक्सर लोग इस टॉपिक पे बारे में बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बात करूं और लोगों को मैं बताऊं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, किस तरह से है और किस तरह से लोग प्रॉब्लम अपना सॉल्व कर सकते। तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल सर्कल, यानी जो हमें हर मंथ, मंथली पीरियड, मासिक धर्म, बहुत सारे टाइप के लोग बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। जो हमारा पीरियड्स होता है, हर मंथ हमें ये पीरियड्स के दौर से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहला मेरा बात है कि मैं बहुत टाइम से पैड यूज़ करती थी और पैड कितना ख़तरनाक है, मैंने ये बहुत सारे न्यूज़ में, पेपर में, मैगज़ीन में बहुत सारे जगह पढ़ा और उसके बाद मैंने पीरियड्स का पैड यूज़ करना बंद कर दिया। पहले तो मैं कपड़ा यूज़ करती थी, लेकिन जब कपड़े में अनकंफर्टेबल फील होता था उसके बाद मैंने पैड यूज़ करना स्टार्ट किया और पैड से काफ़ी कंफर्टेबल फील होता था और लार्ज, एक्स्ट्रा, स्मॉल हर दिन के लिए हर तरह का पैड मिलता था, इसके लिए बहुत ही अच्छा लगता था। हाँ, उन दिनों में थोड़ा तकलीफ़ कम हो जाता था, लेकिन जब से मुझे मेंस्ट्रुअल कप के बारे में मालूम चला है उसके बाद तो ऐसा मानो कि लाइफ बहुत इजी ही हो गया है। ऐसा हो गया है कि जैसे कि मतलब पीरियड्स में जितना भी प्रॉब्लम होता था, जो भी झमेला होता था, गुस्सा आता था, जितना भी होता था, सब कुछ जैसे कि एकदम इजी टू, जैसे कि और जैसे नॉर्मल दिन होते थे वैसा मेरा पीरियड का भी दिन वैसे ही जाता है बहुत अच्छे तरीके से। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि पीरियड्स का पैड यूज़ करना बहुत ही डेंजरस होता है। अगर आप पैड यूज़ कर रहे हो तो आज से ही पैड यूज़ करना बंद कर दो। पैड यूज़ करने से हमें बहुत सारा बीमारी का, इन्फेक्शन का, इरिटेशन का, खुजली का, बहुत सारा स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, हर तरह का हमें प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ इस तरह का होता है मेंस्ट्रुअल कप। आज मैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से एक एक बारीकी से बताऊंगी कि पैड और मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना बारे में बताती हूँ कि मैंने मेंस्ट्रुअल कप के बारे में जब से जाना है तब से मैंने पैड यूज़ करना टोटली बंद कर दिया है। पैड यूज़ करना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है हमारे शरीर के लिए। इससे इरिटेशन होता है, इचनेस होता है, हमारे स्किन में इचिंग होने लगते हैं, इन्फेक्शन होने का डर रहता है, उसमें जर्म्स लगने का डर होता है, बैक्टीरिया लगने का डर होता है और पैड्स का मेन प्रॉब्लम है उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल है। आपको पता है एक पैड को डिस्ट्रॉय होने में, उसको ख़त्म होने में 800 साल लग जाते हैं, सिर्फ एक पैड। हम तो अपने 6-7 दिन के दिन में कम से कम 8-9 पैड लेते हैं या फिर 4-5 पैड लेते होंगे, लेकिन अब एक पैड को डिस्ट्रॉय होने में 800 साल लग जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि पूरा इंडिया या पूरा वर्ल्ड कितना पैड यूज़ करता है और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना डेंजरस है। इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं और ये जब डिस्ट्रॉय होता भी है 800 साल लग जाते हैं पीरियड्स का पैड को डिस्ट्रॉय होने में। तो आज से ही आप पैड यूज़ करना बंद कर दो, क्योंकि पैड तो हम ऐसा होता है हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं और इसको पूरा दिन ही पहन के रखे रहते हैं। पूरा दिन पहनना बिल्कुल भी गलत है, चाहे आपका कम ब्लीडिंग हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, कम से कम 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर हमें एक पैड को चेंज कर देना चाहिए, दूसरे पैड को लगाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, एक पैड को पूरा 12-13 घंटा यूज़ करते हैं और ये बहुत ख़तरनाक है हमारे स्किन के लिए। हमें कैंसर का प्रॉब्लम हो सकता है, इतना बड़ा बीमारी जो कैंसर का है वो हमें हो सकता है। तो गाइज, आप प्लीज़ जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आज से ही पीरियड्स का पैड यूज़ करना बंद कर दो। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि कपड़े से अच्छा पैड होता है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है
कपड़े से अच्छा पैड होता है, लेकिन नहीं, कपड़ा अच्छा होता है अगर आप कपड़े को एक बार, एक कपड़े को एक ही बार यूज़ कर रहे हो, तो अगर बार बार उसको धो के रीयूज़ कर रहे हो तो आपके स्किन के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। अगर आप एक बार कपड़ा को यूज़ कर रहे हो और उसको फेंक दे रहे हो तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी ख़राब नहीं है और हमारे स्किन के लिए भी ख़राब नहीं है। लेकिन आप अगर बार बार यूज़ कर रहे हो एक ही कपड़ा को, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और पैड भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इससे हमें बहुत सारा बीमारी हो सकता है अगर हम टाइम टू टाइम इसको चेंज नहीं करें तो। और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम हर दो तीन घंटे में एक पैड यूज़ करते रहें और इन पैड पे इतना पैसा बर्बाद करें। आजकल तो पैड पे GST लग गया है, काफ़ी लोगों के लिए पैड खरीदना काफ़ी मुश्किल हो गया है। 30 रुपीज़ का पैड होते थे, अब 35-36 के हो चुके हैं। तो ये बहुत गलत बात है कि पैड पे GST लगा है, लेकिन पैड जो है उससे बहुत सारा बीमारी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है अगर हम टाइम टू टाइम इसको चेंज ना करें। अगर हम हाइजीन मेंटेन करके ना रखें तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है और हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही ख़राब है। हम इसको रीयूज़ नहीं कर सकते, हम इसको यूज़ करके फेंक देते हैं और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और पैड यूज़ करते हैं उसमें बहुत ही गंदा एक स्मेल आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि पैड में जो केमिकल मिले होते हैं उसका रिएक्शन होता है, तो उससे बहुत गंदा एक स्मेल आता है। और जब हमारा ओवरफ्लो होता है तो हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है, बैठने में उठने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो मैं गाइस आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पैड यूज़ करना टोटली बंद कर दो, यह किसी भी तरह से सही नहीं है। आप चाहे तो टैम्पन यूज़ कर सकते हो, टैम्पन ये बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, अगर आपका ओवरफ्लो होता है तो आप टैम्पन कम से कम एक या आधे घंटे के लिए ही यूज़ कर सकते हो। टैम्पन भी 3 से 4 घंटा चलता है, लेकिन अगर आपका ओवरफ्लो हो रहा है तो आप टैम्पन यूज़ नहीं कर सकते हो। टैम्पन भी उतना खास ठीक नहीं है जितना पैड हमारा अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन टैम्पन का एक लिमिटेड साइज़ है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं काफ़ी टाइम के लिए। अगर आपका कम ब्लीडिंग हो रहा है तो आप टैम्पन यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि टैम्पन से प्रॉब्लम हो सकता है, आप अपने वजाइना में इंसर्ट कर रहे हो और आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा या आपका वर्जिनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, टैम्पन बहुत ही अच्छा है। ये नहीं कि ये काफ़ी अंदर तक जाता है, एक लिमिटेड जगह तक ही रहता है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। अगर आपका ओवरफ्लो नहीं होता है तो आप टैम्पन यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है और इसको इंसर्ट करने में भी बहुत अच्छा है और इसको बहुत ही ईजीली निकाल सकते हैं। तो ये पैड से एक बेटर ऑप्शन है। और मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताती हूँ, मेंस्ट्रुअल कप। बहुत ही अच्छा है और हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, ये हर तरह का एज का, लेडी हो गर्ल्स हो, हर तरह के एज ग्रुप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिलिकॉन से बना हुआ था या रबर फैब्रिक से, ये बहुत ही अच्छा है यूज़ करने में। इसका एक बहुत अच्छा बात ये है कि मेंस्ट्रुअल कप आप 10 साल तक, एक कप आप 10 साल तक रीयूज़ कर सकते हैं। पैड्स को हम 10 साल तक बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक पैड को यूज़ करने के बाद हमें फेंकना पड़ता है। और एक रिसर्च के मुताबिक हमें अपने पूरे लाइफ में कम 10,000 पैड का, 10 से 15,000 पैड का ज़रूरत होता है। तो आप उसे इक्वल करके देख सकते हो कि आपको कितना महंगा पैड पड़ सकता है, और मेंस्ट्रुअल कप है जो उसका बहुत ज़्यादा प्राइस है, तो 400-500 है। ये बहुत अच्छा है वजाइना में इंसर्ट करने के लिए। अगर आपको इसको सुन के कुछ अटपटा सा लग रहा है, तो मुझे भी फर्स्ट टाइम सुन के ये बहुत अजीब सा लगा था, ऐसा लग रहा था कहीं दर्द तो नहीं होगा, कहीं कुछ, ऐसा बहुत सारा सवाल मेरे मन में उठा था। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने मंगवाया, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया स्नैपडील से, और मुझे कुछ 500-550 का आया था। और ये बहुत ही अच्छा एंड ईजी है, आपको लगेगा ही नहीं कि आपका पीरियड हो रहा है, ये आपका लाइफ को इतना ईजी एंड सिंपल कर देता है। मतलब
जितना भी आपको स्टेन का प्रॉब्लम होता है, दाग लग जाएगा या कुछ कुछ भी अनकंफर्टेबल फील होता है, या जितना भी प्रॉब्लम आपको पैड से होता था, ये मेंस्ट्रुअल कप से जो है टोटली सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक आपको लगेगा कि आपका जो रेगुलर डे होता है वो भी पीरियड का दिन भी ये भी एक रेगुलर डे की तरह ही बीतेगा। वजाइना में बहुत अच्छे तरीके से इंसर्ट हो जाता है ये। इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी है। इसको 3-4 तरीके से फोल्ड करके हमें इंसर्ट करना है और ये बहुत ही अच्छा एंड सिंपल है। अगर हम देखें तो पैड के मुताबिक इसका प्राइस बहुत ही कम है। अगर हम इतना टाइम में अगर पैड खरीद करके कितना न जाने कितना पैसा बर्बाद कर दिए, और पैड का रीयूज़ बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लेकिन मेंस्ट्रुअल कप का हमें बस मेंस्ट्रुअल कप खरीदना है, इंसर्ट करना है और 3-4 घंटे के बाद उसको बस वजाइना से निकालना है। जितना भी ब्लड स्टोर है उसको बस फेंकना है, धोना है, फिर से इंसर्ट करना है। मेंस्ट्रुअल कप हम यूज़ कर सकते हैं 10 साल तक। 400 से 500 600 तक का इसका प्राइस है। कितना कम है एक पैड के मुताबिक अगर आप इक्वल करके देखो, अगर आप हिसाब करके देखो तो आपको कितना कम आएगा। मैंने जब से मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना स्टार्ट किया है, मतलब इतना मेरा सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया है। मतलब हर तरह से जितना भी प्रॉब्लम आता था, बैठने में, खाने में, सोने में, जितना जिस तरह का प्रॉब्लम आता था, पीरियड्स का दाग लग जाएंगे, ये वो, जितना प्रॉब्लम होता था, सब कुछ सॉल्व हो गया है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, मेंस्ट्रुअल कप आप यूज़ करना आज से स्टार्ट कर दो। इंडिया में ये बहुत ही कम है, लेकिन कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, और स्टार्ट हो रहा है ये, धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, और आगे ये बहुत फैल जाएगा और पैड हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ख़राब है। मेंस्ट्रुअल कप ये बहुत इजी है, एनवायरनमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं करता। इसको डिस्ट्रॉय करना भी काफ़ी इजी है। पैड का तरह ये 800 साल नहीं लेता है डिस्ट्रॉय होने में। सो गाइस, ये बहुत इजी एंड सिंपल है। अगर आप टीनएजर्स हो तब भी आप यूज़ कर सकते हो। आप अपना साइज़ देख के, अगर आपको साइज़ पता नहीं है तो आप चेक कर सकते हो खुद फिंगर से। आप फिंगर इंसर्ट करके चेक कर सकते हो कि आपका साइज़ क्या है, मीडियम, लार्ज, ये हर तरह का साइज़ में आता है। और आपको अगर ख़रीदना है तो एक अच्छा सा आप कप ख़रीदना। इसका काफ़ी 200-300 में मिलता है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी 600-700 में बहुत अच्छा एक कप मिलता है, और ये बहुत ही अच्छा है यूज़ करने में। अगर आपको लगता है कि आपका वर्जिनिटी से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप बिल्कुल भी बेफिक्र हो के यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर जाने के बाद आपको दुखेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फर्स्ट टाइम मुझे भी ऐसा फील हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये वजाइना के लिए ही बना है, तो उसको बहुत देख परख के, ध्यान में रख के उसके लिए बनाया गया है, और ये बहुत ही बढ़िया है। ये हमारे इंडिया से बाहर काफ़ी यूज़ होता है, काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन ये इंडिया में बहुत कम है, क्योंकि हम पीरियड्स के बारे में बात ही नहीं करते हैं, पैड के बारे में बात ही नहीं करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, चुपचाप रहते हैं। और पैड भी ख़रीदते हैं तो हमें काफ़ी रैप करके मिलता है, काले प्लास्टिक में, और चुपचाप से ख़रीदना है, लाना है, यूज़ करना है। मैं यहाँ पे यही रिकमेंड करूँगी कि मेंस्ट्रुअल कप आज ही आप ऑनलाइन ऑर्डर करना। अब अपना साइज़ देख के ऑनलाइन ऑर्डर करना, ट्राई करके देखना। अगर आपको अच्छा फील ना हुआ फिर मुझे बताना। बहुत ही अच्छा है मेंस्ट्रुअल कप, और इससे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला है। आपका बस इंसर्ट करना है, 2-3 घंटे के बाद आपको बस ब्लड फेंकना है, फिर धो के आपको फिर से लगा लेना है। बस सिंपल सा आपको ये करना है। अगर और आपका पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको इसको गर्म पानी में धो के अच्छे तरीके से रख देना है। फिर से आपका नेक्स्ट मंथ पीरियड होगा, फिर से आपको रीयूज़ करना है। ये बहुत सिंपल है, पैच की तरह, किसी तरह का कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हजारों लाखों लेडी जो है ये मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करती है। इंडिया में बहुत कम है, क्योंकि हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन अगर हम धीरे धीरे जानने लगे तो हम पैड का तरह इसको भी यूज़ करने लगेंगे। जैसे कि हम पहले कपड़े यूज़ करते थे, पैड पे आए, पैड के बाद हम टैम्पॉन पे आए, टैम्पॉन के बाद मेंस्ट्रुअल कप पे आएंगे। मेंस्ट्रुअल कप बहुत ही अच्छा है। पहली बार तो आपको थोड़ा घबराहट होगा, लेकिन आप अगर एक बार यूज़ करने लगोगे तो आप कभी भी पैड यूज़ नहीं करोगे। ये
100% गारंटी है कि आप अगर एक बार मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना स्टार्ट करिए तो आपका सारा प्रॉब्लम, पीरियड का जितना भी प्रॉब्लम होता है, आपका सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और इसमें अनहाइजीनिक बिल्कुल भी नहीं है, आपका जितना भी ब्लड स्टोर होगा आपको बस 2-3 घंटे के बाद ब्लड को फेंकना है, साफ करके फिर से इंसर्ट कर लेना है। बहुत ही अच्छा है, टोटली हाइजीन है, अनहाइजीनिक इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है और इसका प्राइस भी बहुत कम है। हर मंथ हम पीरियड के पैड्स में कम से कम 60, 70, 80, 100, 150 बर्बाद कर देते हैं और एक ही बार मेंस्ट्रुअल कप को ख़रीदना है और ये 10 साल तक चलेगा। तो आप आज ही जाके मेंस्ट्रुअल कप ख़रीदना और यूज़ करना। यूज़ करेंगे तो आपको समझ आएगा, इतना भी बोलो उससे समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम करें, खुद से स्टार्ट करें यूज़ करना, तो ये खुद ही आपको फील होगा कि कितना सही है और कितना अच्छा और सेफ है। सो गाइस, होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप आज ही जाके अपना अनहाइजीनिक पैड्स को यूज़ करना बंद करोगे और बीमारी से बचोगे और मेंस्ट्रुअल कप आप बाय करोगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव एंड पीस।